नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। मार्केट लाइव देश का पहला ऐसा शो जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की और समझने की कोशिश करते हैं रियल टाइम कि बाजार के अंदर में क्या हलचलें हैं और किस तरीके से बाजार में काम करना चाहिए। इस सब में हमारी मदद करते हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट्स जो बाजारों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत गहराई से उन्होंने जांचा परखा पढ़ा है और वहां से वो निकाल करके लाते हैं ऐसे तरीके ऐसे मौके जो हमें समझ में आते हैं कि बाजार में सरल भाषा में हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से बाजार को देखा जाए। आज एक इम्पोर्टेंट दिन है, एक बड़ा इवेंट है आज और उसके चलते बाजार के अंदर में शायद बहुत सारी चीजें होंगी, तो और ज्यादा जरूरी है कि हमारा हाथ पकड़ने के लिए कोई इस तरीके के वरिष्ठ लोग और इस तरीके से जो जानकार लोग हैं वो हमारे साथ में हो। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विशाल वाग सर। विशाल सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो पे। वेरी गुड मॉर्निंग लवजीत जी। सर, सबसे पहले आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है और इससे क्या फर्क पड़ने वाला, क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है अगर हम जानने की कोशिश करें बाजार के लिए, तो क्या लगता है आपको कि इसका कितना असर हो सकता है? बजट ऑलवेज बजट थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए, आने वाले सेक्टर चूसिंग के लिए। अगर मैं क्लियरली बात करूं तो जो मार्केट का हॉरिजॉन है अगला एक दो साल का और या गवर्नमेंट का जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, वो सब में गवर्नमेंट एक साइड में एक बात हो रही है, दूसरी साइड में उसमें प्रोग्रेसिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। अगर वो प्रोग्रेसिव एक्शंस कहीं ना कहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं या बहुत ज्यादा शॉर्ट में हम लोग रह जाते हैं, तो उसके लिए रीजंस रहेगा बजेटरी एक्शंस। तो इसके हिसाब से हम लोगों को बजटरी एक्शंस देखने चाहिए कि आगे आने वाले जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को फोरकास्ट दिए हुए हैं क्या वो अचीव हो पाएंगे। इवन जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो भी यही चीज को नॉर्मली देखा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कहाँ पे इकोनॉमी जाके ठहरेगी, और अगर इकोनॉमी का अगला हॉरिजॉन अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए बजट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी कोई भी कंट्री में दो तरीके का होता, एक नॉर्मल है कि एक डिमांड क्रिएशन होता है बजट में और दूसरा होता है सप्लाई क्रिएशन। अगर कहीं ना कहीं ये डिमांड क्रिएशन की तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं तो डिमांड क्रिएशन के लिए जो आम आदमी है उसके हाथ में पैसा जाना जरूरी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इन जो भी टैक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं आपको रिडक्शन का चीज देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं बाइंग के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, कहीं ना कहीं जो रिफॉर्म्स है उसमें कहीं ना कहीं रिबेट की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा। ऑन द अनदर साइड अगर सप्लाई पे फोकस है तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है बिजनेस को कुशन दिया जाएगा। तो इनमें से कौन से साइड में एफएम बैलेंस करता है वो देखना बहुत जरूरी होगा और वही हिसाब से आगे आने वाले दिनों में हम लोग मार्केट की पोजीशंस देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मली यही लिहाज से। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा आगे का भविष्य इसी से निर्धारित होगा, कम से कम एक साल का तो होगा ही और उससे आगे का भी एक ट्रेंड सेट होता है। सर, कुछ खास उम्मीदें, कुछ पर्टिकुलर उम्मीद है इस बजट से और उसके चलते कोई ऐसे पिक, कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आज नजर रखी जा सकती है और जहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है या मुनाफा कमाया जा सकता है? दो चीजें पिछले दो दिन में हुई है। फर्स्ट, यूएस मार्केट बहुत अच्छा ऊपर है, उसके वजह से बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड मूव है वो दे चुके हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट ये है कि जो बाहर का इकोनॉमिक पैटर्न है, जो इकोनॉमी में मेजर इंडिकेटर, जो इंटरेस्ट सेंसिटिव चीजें है, इन्फ्लेशन है, इसके वजह से भी एक कॉशियसनेस मार्केट में है। तो जो एक साइड देखी जा सकती है वो है रियलिटी, कि रियलिटी में कोई कंसेशंस आ सकते हैं, कई हाउसिंग का थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके डेफिनेशंस कहीं ना कहीं चेंज हो सकते हैं। जो दूसरा एरिया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, बट एट दिस मोमेंट में कोई पीक नहीं दे रहा हूँ। रैशनल ये है इसमें कि हम लोग नियर टू द रेजिस्टेंस लेवल है दोनों में, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी,
तो हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं 38,800 से लेके 38,900 रेजिस्टेंस जोन है, और निफ्टी की तरफ जाए तो 17,600 से लेके 17,700 ये रेजिस्टेंस जोन है। तो अपसाइड कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड दिख रहा है आज की डेट में। और तीसरा मैं डेटा पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, वो है FIs DIs की पोजीशंस। तो हम लोगों को पता है DIs FIs ऑलरेडी अच्छे खासे कैश सेगमेंट में सेल ऑफ FIs के एंड पे आ रहा है और DIs के एंड पे बाइंग हो रहा है, लेकिन वो बाइंग कहीं ना कहीं DIs भी 90% फ्यूचर में स्टॉक्स फ्यूचर्स में सेल करके हेज किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉशियसनेस बाजार में बना हुआ है FIs और DIs के एंड पे। वेयर एज हम लोग अगर क्लाइंट और प्रो डेस्क की बात करें तो वहां पे एक लॉन्ग पोजीशंस बने हुए हैं। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो मार्केट ट्रेंड डिसाइडर्स है FIs और DIs, ये दोनों शॉर्ट में बैठे हुए हैं, तो ये ऊपरी स्तरों पे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा शॉकर आने के चांसेस रह सकते हैं अगर ये रेजिस्टेंस जोन पोस्ट बजट हम लोग कट करके सस्टेन नहीं करते हैं। मतलब 17,700 के ऊपर अगर हम लोग पोस्ट बजट सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो एक अच्छा खासा सप्लाई मार्केट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक कॉशियस साइन या कॉशियस अलर्ट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि 17,700 के ऊपर 2 बजे के बाद अगर सस्टेन नहीं हो पाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और 38,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग उधर भी आएगा। तो वो दोनों केसेस में हम लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। इसमें नॉर्मली ऐसे टाइम पे डिफेंसिव अच्छा प्ले करता है, तो FMCG कहीं ना कहीं हम लोग FMCG या कंज्यूमर गुड्स या ये जो है वो एक प्ले के एंड पे हम लोग देख रहे हैं। मुझे पता है FMCG का नाम निकालते ही ITC देखा जाएगा, बट ITC इज नॉट ओनली द FMCG। FMCG में कंजम्पशन स्टोरी में ब्रिटानिया का कमेंट्री कल बहुत अच्छा रहा है, तो हम लोग ब्रिटानिया एक देख रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे हम लोगों की नजर बनी हुई है, हम लोगों की नजर हैवल जैसे कंजम्पशन पैटर्न पे बनी हुई है, गोदरेज कंज्यूमर पे हम लोगों की नजर बनी हुई है। तो देर आर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कंजम्पशन और रियलिटी और इंफ्रा, ये 3 बास्केट पे हम लोगों की नजर जरूर बनी हुई है। बट हम लोग जब तक इंडाइसेस पे हमारे लेवल कट नहीं होता है तब तक कोई नई ट्रेड की उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे जी। ठीक है, तो मैं समझ गया आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे हम बाजार के अंदर में हैं, इंडेक्स के अंदर में हैं, और जिन लेवल्स के पास है वो बिल्कुल जो उसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है हम उसी के आसपास काम कर रहे हैं। अगर उसको तोड़ करके ऊपर रुक नहीं पाते, सस्टेन नहीं कर पाता है बाजार, तो बहुत संभावना है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और बाजार नीचे की तरफ एक डिप लगा सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग लगा सकता है, और उसके चलते बहुत सारे अगर ट्रेडर्स की बात करें तो शायद वो ट्रैप हो सकते हैं अगर वो अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं, अगर बाय साइड में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ में क्वेश्चन का जो एक बड़ा एक वो है आपकी तरफ से, एक अलार्म है, एक सिग्नल है कि सावधानी आज कम से कम और खासकर ट्रेडर्स कम से कम आज सावधानी रखें। कौन से 3 थीम्स हैं आपने वो बता दिए कि जहाँ पे कुछ अच्छी संभावना है, जहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है, या और कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों से हमें बहुत सारे और एक्सपर्ट्स ने भी करीब करीब वही सिमिलर वही स्टॉक्स और उन्हीं थीम्स के आसपास हमने डिस्कस किया और सभी का यही मानना है।